एयरक्राफ्ट एक हवा में उड़ता है और लेकिन तभी वो डेस्टिनेशन में पहुंच सकता है जब उसका डायरेक्शन सही हो. तो इंसान जब हवा में उड़ता है, इंसान जब सक्सेस से, बट उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए. अगर एयरक्राफ्ट पार्क्ड है एयरपोर्ट पे तो किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. डायरेक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब वो हवा में हो, यानी कि एक्शन में हो. तो ऐसे ही जो भी हम हार्डवर्क करने वाले हैं अपनी लाइफ में या जो भी एक्शन लेने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल हमारी डायरेक्शन ठीक है तब तक सब बकवास है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस पर मटेरियल्स किस तरह का यूज कर रहे हैं. जिस तरह का मटेरियल्स यूज करेंगे उसके बाद ही वो हमें उतना ही सक्सेस दे पाएंगे, मतलब उतना ही वो ऊपर उड़ पाएगा. अगर मटेरियल्स उसमें सही नहीं है तो वो बहुत जल्दी क्रैश कर जाएगा और उसमें कई सारे डिफॉल्ट आएंगे. अगेन एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम. यानी कि एयरक्राफ्ट को अगर हम देखें अपनी बॉडी की तरह, तो अनलेस एंड अनटिल जो एयरक्राफ्ट का मटेरियल है वो सही नहीं है तो एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाएगा. सपोज पेपर का आपने एयरक्राफ्ट बना दिया, उसको उड़ाने की कोशिश करो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, जाएगा भी तो क्रैश कर जाएगा. बारिश आई तो पता नहीं कहाँ गया वो पेपर का एयरक्राफ्ट. हमारे लिए क्या है मटीरियल अगर देखा जाए तो, अगर हम एयरक्राफ्ट हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं हमारी जो बॉडी है, लेकिन इसको हम भूल जाते हैं. आप में से कितने हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं डेली? अगर हमने अपनी बॉडी को ठीक नहीं किया तो जितना मर्जी आप बड़ा गोल सेट कर लो, अगर वो गोल अचीव कर भी लिया तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी वर्थ वाइल. मजा ही नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे. आप कहोगे यार चक्कर क्या है, मैंने सब कुछ तो अचीव कर लिया, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी अंदर से. ये एनर्जी कैसे मिलती है? न्यूट्रिशन. हाँ, वन इज न्यूट्रिशन, एब्सोल्युटली. सेकेंड इज कि कैसे हम अपनी बॉडी में कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या हम इतने अवेयर हैं कि कहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं और उसको खोलने के लिए हमको क्या करना है सही टाइम पे. जैसे एयरक्राफ्ट को चेक किया जाता है ना, इनफैक्ट हर उड़ान से पहले उसको चेक किया जाता है, एक्ट करने से पहले उसको चेक किया जाता है, वो एक्ट करने के लायक भी है या नहीं है, उड़ने के लायक भी है या नहीं है. ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को रेगुलरली चेक करना है कि क्या मेरे जो एनर्जी लेवल्स हैं, जो भी बॉडी में मेरी एनर्जी है, वो गिर रही है या बढ़ रही है जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से.